इन डॉक्टर साहिबा में मौजूद हैं। नाजिया अशरफ इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं दोनों? ठीक ठाक, ठीक ठाक, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। नाजिया, आजकल एक मेडिकल साइंसेज की तरक्की की वजह से जी हाँ लोगों ने बहुत सारे फवायद जो हैं वो हासिल करने शुरू किए हैं और कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, फवायद भी हो रहे हैं, बिल्कुल है। और लेकिन जो छोटी मोटी ऐसी सर्जरीज है जो आप लोग कहते हैं कि लेजर से कर लेनी चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हेयर रिमूवल है या कोई बर्थ मार्क्स है, बर्थ मार्क्स क्यों लोग रिमूव करवाते हैं? देखिए, एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप अपने लुक के साथ जब हैप्पी ना हो और कोई ऐसी जगह पे बर्थ मार्क की लोकेशन है जो कि वाकई बुरी लग रही है तो देन डेफिनेटली वो एक चीज होता है। फेस पर जैसे ऐसे नीवसोफोटा और इस तरह की आते हैं कि ब्लैक सा जैसे लगता है धब्बा, लोग बोलते हैं कि इतनी बड़ी जैसे चीज है, जो लोग अक्सर कहते हैं कि शायद इनकी अम्मी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण में निकली होंगी तो उसकी एक छाप, ये हमारी सारी बातें जो होती है, बिल्कुल जी फेस पर आ जाता। अच्छा, कई लोगों का ये एक मसला है, कई लोगों किस तरह की नीविस होती है जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं, बिल्कुल नीविस के साथ साथ एक काले धब्बे के साथ साथ ऊपर बाल भी होते हैं। हाँ। तो डेफिनेटली ये सब चीजें अगर ऐसी जगहों पे हों जो विजिबल हैं तो हमारे यहाँ सोसाइटी में एक चीज होती है कि हर हम बंदे को टोकते हैं कि भाई ये तुम्हारे चेहरे पर ये क्या हुआ, तुम मोटे क्यों हो गए, तुम पतले क्यों हो गए। तो इस सारे नॉर्म से बचने के लिए माँ बाप चाहते हैं कि बचपन से, क्योंकि अमूमन पैदाइशी ही होता है, तो उस वक्त इन केसेस के अंदर वो ये चाहते हैं कि बच्चा बड़ा हो और इन तमाम चीजों से गुजरे तो वो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज इसमें जहन में ये रखनी होती है कि सिंस ये पैदाइशी है तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कुरेद के तो कोई इस तरह से कोई निकाल नहीं सकता, ना कोई इंजेक्शन है कि उसे सकआउट कर लें आप उसके पिगमेंट को, बिकॉज इट्स देयर इनसाइड। लेजर करना पड़ता है, इसमें भी वो कार्बन डाइऑक्साइड कटिंग और बर्निंग लेजर्स किए जाते हैं जिसके अंदर बाकायदा वो चेक 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 उसके ऊपर आता है जब आप कर रहे होते हैं प्रोसीजर, फिर उसको खुर्चा जाता है। बंदे को बेहोश करते हैं या नहीं? एक्चुअली वो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होता है, लेकिन डेफिनेटली इसके बावजूद भी बहुत बहुत पेनफुल होता है, इसके बावजूद भी ठीक ठाक पेनफुल होता है। सोचेंगे देख रहे तो ये करना हर एक इसको लेकिन बहुत तकलीफ है पेशेंट्स के लिए और ये हर एक करने का काम भी नहीं है। इस तरह की चीजें बहुत स्किलफुल लोगों के पास जिनके पास ये लेजर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर वैसे तो हर कोई रखता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कटिंग के लेजर्स होते हैं और अगर वो आप रख रहे हैं कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर वो स्किलफुल बंदे के पास से करें, उसके भी सेशन है, एक दफा में कोई चीज नहीं होती। और अगर आप इस पेन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और उसके साथ तो फिर वो कुछ लोगों को देखा है जैसे कोई इतना हिस्सा जो है वो सिर्फ लाल है बहुत ज्यादा, वो स्ट्रॉबेरी जो होते हैं वो क्या होता है बेसिकली? वो स्ट्रॉबेरी एंजियोमास होते हैं, स्ट्रॉबेरीज जो उसको हम इसलिए लाल होने की वजह से बात करते हैं, वो स्ट्रॉबेरी कलर के बर्थ मार्क्स होते हैं। अच्छा, तो उसका हल सिर्फ यही है, लेजर ही है? बिल्कुल यही होता है, लेजर के अलावा आप और कुछ कर नहीं सकते, मतलब क्योंकि वही उसकी देखें होता यह है कि ऊपर ये बर्थ मार्क या कोई भी किस्म का मोल भी इवन अगर हमें हो जाता है बाद में जाकर, वो अंडर डीप सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन से नीचे से आ रहा है, डर्मिस के नीचे से आ रहा है, तो ये सिर्फ इस लेजर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो डीप डाउन स्किन के अंदर जाता है। ये सर्जरी से आप इस तरह से करके इसको हाँ मोल निकाल सकते हैं, बट ये बर्थ मार्क्स को आप इस तरह नहीं निकाल नहीं सकते, सकते। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक है, लेकिन ये बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के पास जाना चाहिए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि आप एक चीज रिमूव करने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप उससे ज्यादा उसका नुकसान कर दें, तो इस चीज को जहन में रखना चाहिए। लेकिन वैसे लेजर के सिवाय स्किन के भी बहुत सारे फील्ड में बहुत फायदे हैं, आंखों के कई सर्जरी जब हम बताएं लेजर के थ्रू ही कर रहे हैं, चाहे आप चश्मों के नंबर कम करने की बात करते हैं, कैटरेक्ट की बात करते हैं। तो इसलिए ये एक मिथ हमें इन सारे प्रोग्राम्स के जरिए जहन से निकालना चाहिए कि लेजर जो है एक बहुत खतरनाक चीज है जिससे हम जल जाएंगे। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को और जितने भी और एक्चुअली थोड़ी सी मिसकंसेप्शन जो है हम डिस्कस करेंगे। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं अभी थोड़ा सोच में और घबराहट में हूँ, थोड़ी देर में जब डॉक्टर नाजिया मुझे समझा देंगे तो मैं सही हूँ। डॉक्टर नाजिया को वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, आप इधर मैंने आपको देखा और सुना। नाजिया, मुझे अपने स्किन के बारे में पूछना था। जी पूछिए। ये ड्राई तो मतलब मेरी कभी ड्राई होती है और वैसे मेरी ऑयली है स्किन। जी जी। पर मुझे पिंपल नहीं है, एक्नी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे नॉर्मल है, पर आजकल बहुत ड्राइनेस की वजह से ना जैसे विंकल विंकल और वो हो रहा है। जी जी। आपकी एज क्या है? 26 है। ठीक है, मैं आपको आंसर कर देती हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल। थैंक यू सबा, अल्लाह हाफिज़। ओके फजल, यू आर लुकिंग सो ग्रेट टुडे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रगुजार हैं आप। थैंक यू सबा, थैंक यू सबा, थैंक यू सो मच।
जी जी देखें इनकी सबा की जो स्किन, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया, वो कॉम्बिनेशन लग रही है। सर्दी में चूंकि स्पेसिफिकली कराची की हवा बहुत ज़्यादा ड्राई है, मौसम काफ़ी ड्राई हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो लोगों की नॉर्मल स्किन भी, क्योंकि गर्मियों में अच्छी खासी ऑयली रहती है तो लोग इतने बॉदर भी नहीं करते हैं। लेकिन जब सर्दी में ड्राई होती है किसी की भी स्किन, चाहे आपकी चाहे मेरी, वो हमेशा रिंकल देती है। जब रिंकल देती है आपको लगता है जैसे बल आ रहे हैं, आपकी स्किन खिंच रही है, उसी वक्त फिर आप जब मुस्कुरा रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो वो फिर आपकी स्किन में लाइन्स आती हैं, तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि अचानक क्या हो गया। तो इस ऐसे लोगों के लिए ये कहा जाता है कि सर्दी और गर्मी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए। सर्दी में वो चीजें ऑयल बेस्ड होनी चाहिए और गर्मियों के लिए वाटर बेस्ड, ताकि आपको पसीना भी आए तो उसके साथ वो चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप गर्मियों में ये उल्टा कर लेंगे तो ऑयल बेस्ड चीजें वो बहती रहती हैं। अक्सर लोग कहते हैं सनब्लॉक लगाया बहरा है, फाउंडेशन लगाया बहरा है। किसी भी चीज को स्टिक करने के लिए आपको लोकल एनवायरमेंट और लोकल वेदर को देखते हुए काम करना चाहिए। ये नहीं, ये चीजें जो यहां एप्लीकेबल है वो इंग्लैंड में नहीं होती। हमारा सारा मेकअप जो हम यहां यूज करते हैं, अगर हम वहां जाके सीजन में यूज करें तो वो टोटली डिफरेंट इफेक्ट देगा। तो अपने क्लाइमेट, अपने आप को, अपनी स्किन को समझें। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं हमेशा पेशेंट्स को बताती हूँ, वो यही है कि वो अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने चीज़ें डिस्कस करें, तो वो आपको एक गाइडेंस देता है, एक राह दिखाता है, और आपको मार्केट्स में आपके जो स्किन से सूटेबल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सूट करते हैं उसके लिए गाइडेंस देता है। देखें, एक दफ़ा थोड़ी सी बहुत सारी परेशानियों से बचने के लिए बेहतर ये होता है, हम भी बार बार समझाते हैं कि जो सेल्फ मेडिकेशन हैं या जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं, मुझे एक बात बताएं कि कहीं पे आपने देखा को क्रीम आई जिसमें लिखा हुआ है कि जी आप 7 दिन में गोरे हो जाएंगे, ठीक है, किसी क्रीम में आया कि जी सारे रिंकल ख़त्म हो जाएंगे। कोई ऐसा होता तो डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट और जो इस तरह के लोग हैं ये क्यों होते, ठीक है, वो भी नौकरी कर रहे होते क्रीमों की दुकानों पर, क्रीमें बेच रहे होते। तो बात ये है कि डॉक्टर से कंसर्न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका मुँह का मसला हो, दिल का मसला हो, बालों का मसला हो, हाथों का मसला हो, टांगों का मसला हो, कोई भी मसला, ये बेचारे पड़े हुए हैं, उन्होंने खर्चे किए हुए हैं अपने ऊपर, ये मलेशिया जा चुकी हैं, लंदन जा चुकी हैं पढ़ने के लिए, बड़ा खर्चा किया है उन्होंने अपने तालीम हासिल करने के लिए, यकीन रखें। उसके अलावा जो हमारे बाकी डॉक्टर्स हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई कुछ है, कोई क्या है, तो ये डॉक्टर्स बेचारे इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, फिर जाके उनको एक अचीवमेंट मिलती है, फिर वो रिसर्चेस करते हैं, फिर उनके तजर्बात होते हैं। अब एक आप गए हैं और आपने कहा ये देखो ज़रा ये पता नहीं यार रिंकल पड़ रहा है, ये क्रीम लगा लें सेट हो जाएगा, आपको नहीं पता है कि वो वेदर कौन सा है, आपको नहीं पता कि वो स्किन टाइप क्या है, आपने उठाया लगा लिया, उसका कोई अभी तो रिएक्शन नहीं आया, इनकमिंग डेज रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। सो बी केयरफुल इन योर लाइफ बिकॉज योर एवरीथिंग इज वेरी प्रेशियस, यू नो लाइफ इज वेरी प्रेशियस, तो आप प्लीज अपनी चीज़ों का ख्याल किया करें, दैट्स ऑल वी वॉट। अच्छा, एक और चूंकि आपके हवाले से आप लेजर थेरेपिस्ट हैं तो इस वजह से मैं कुछ चीजें ज्यादा जानना चाह रहा हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा हूँ। देखें मुबीना, आपको कहीं कुछ बुरा लगा बता दीजिएगा। मुबीना नहीं हुए, सॉरी जमीला। अच्छा, तो ये सैफ के साथ शुरू से यही प्रॉब्लम है, हमेशा मेरा नाम भूल जाता है जी। ये अच्छा, सॉरी, इट्स हैपेंड एवरी डे। नाजिया मेहमान है, पागल हो गई हो, पता लगे कि गलत मुझे लेजर नहीं गैंग दिया ना। बाकी जगहों पे नाजिया नजर आती है, चैनल पे आके कुछ और हो। लेजर थेरेपिस्ट है, पता लगे अंदर कोई लेजर गन रखी हुई, हमारा भी कुछ निकल गया अब इधर उधर तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। मैं वो जो आपने देखा होगा स्किन पे दानों की वजह से जो डेंट्स पड़ गए, बिल्कुल बिल्कुल काले होते, मैं मेरा एक दोस्त है, उसको मैं कई दफा डॉक्टर्स के पास लेके गया, कभी को रिजल्ट लेना है उसका, वो कहते हैं कि नहीं जी चूंकि आपकी 6 लेयर्स डैमेज है इसलिए कुछ नहीं हो सकता, ये इस तरह के जो और भी लोग होंगे जैसे कुछ हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनके भी है प्रॉब्लम, कुछ एक्टर्स हैं उनके भी प्रॉब्लम है, उसका क्या हल है? देखिए, एक्नी स्कारिंग एक बड़ा यूनिवर्सल इशू है, हम कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएं वहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि आपकी बात सही है कि ये सेकंड लेयर ऑफ द स्किन जो होती है उसके अंदर जो है डर्म जब इन्वॉल्व होती है तो डेफिनेटली ये स्कारिंग जो पिट्स हैं, आम जबान में हम उसे खड्डे कहते हैं कि भाई एक्नी की वजह से मेरे मुंह पे ऐसे बन गए जैसे किसी ने कीले ठोकी हुई थी, इस तरह का कोई निशान बन जाता है। एग्जैक्टली, हाँ, एक तरह की बिल्कुल लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, ये लोगों के डिस्क्रिप्शन है और ये हम लोग क्लिनिक में सुनते हैं कि भाई ऐसे हो गया, पहले तो ये ठीक थी। इसीलिए एक्ने की ट्रीटमेंट पे बहुत पड़ जाते हैं, बिल्कुल वो डिफरेंट है, वो इतनी आसानी से वो नहीं जाते, लेकिन एक्ने स्कारिंग इज
फिर भी बेहतर होती है। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि जब आप एक्नी को ट्रीट करने के लिए, जो हम डॉक्टर बड़ी उजलत दिखाते हैं कि भाई आपको अगर एक्नी हुई है तो उसको वक्त पे ठीक कर लें, उसकी वजह यही है। घरों में और अक्सर लोग यही बात करते हैं, कोई बात नहीं है तो सबको होते हैं, इस उम्र में कोई बात नहीं है, आने दो। लेकिन दाने आने जाने की बात नहीं होती, ये जो निशान रह जाते हैं, एक दो नुकसान इसके होते हैं, या तो ये स्कारिंग हो जाती है या हाइपर पिगमेंटेशन, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। अब वो जब दाने ठीक होना शुरू हो जाते हैं हमारे ट्रीटमेंट से, तो नीचे से रह जाती है बेस पे ये दो चीज़ें। पेशेंट इसके बारे में बड़ा वो दाने भूल के फौरन इसके चक्कर में लग पड़ता है कि अब क्या करें। इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस स्कार्स को, इस जो पिगमेंटेशन है इसको ख़त्म करने के लिए हम इस तरह के पील्स करते हैं, इसके तरह के हम क्रीम्स देते हैं उनको, जिनको बड़ी एहतियात से लगाना पड़ता है। इनको मेडिकेटेड ब्लीचिंग क्रीम्स कहा जाता है, जिससे डॉक्टर अपनी सुपरविजन में देता है, आपको बुलाता है कि भाई 12 से 15 दिन बाद दोबारा आके दिखाना, या इनकेस आपकी स्किन पे कोई भी इरिटेशन आपको फील हो तो उसमें आपने मुझे फोन करना है और या मेरे पास आना है। तो इसको बड़े एक एहतियात से, एक प्रोटोकॉल के तहत आप समझाते हैं पेशेंट को, वो लगाता है। साथ ही साथ जब हम स्कारिंग को ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर हम लेजर्स के ऑप्शन होते हैं। उसके अंदर ये होता है कि जितने भी स्किन रिजुविनेशन के लेजर्स होते हैं, क्योंकि लेजर जैसे मैंने पहले भी बताया डीप डाउन स्किन एक्ट करते हैं, इसकी शुआएं अंदर तक जाती हैं, तो उसके अंदर ये खसूसियत होती है कि वो हमारी स्किन को ऑल्टर कर सके जैसा वो चाहे। तो जितना हम उसको यूज़ करें और जिस तरह स्किलफुल वो बंदा होगा वो उस हिसाब से उसको इस्तेमाल करेगा, तो वो वहाँ जाकर ये जो स्कार टिश्यू क्या होता है, वो ये होता है कि स्किन अंदर से जाके अनइवन इसके जो क्रॉस सेक्शन है वो बन जाते हैं, जैसे हमारी रोड्स होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल टूटी फूटी, कहीं से कुछ कहीं से कुछ खोद दिया कहीं भी। बिल्कुल, जब इस तरह की अनइवन स्किन होती है तो लेजर लाइट जाके उसको ब्रेक करती है। ये तो एक ऑप्शन लेजर हो गया। इसके अलावा हम जब बात करते हैं दूसरी चीजें, तो उसमें एक ऑप्शन आता है डर्मा रोलर। उसमें क्या होता है कि एक जैसे हम कहना चाहिए कि एक पेन होता है, पेन के एज पर एक तरह का व्हील होता है, इसमें डिफरेंट साइज के नीडल होते हैं जो इतने शार्प नहीं होते, थोड़े हल्के ब्लंट हल्के शार्प होते हैं, वो आप स्किन के ऊपर रोल करते हैं। उनके रोल करने से स्किन हल्की हल्की डैमेज डेफिनेटली होती है। एक मिनट, खुदा रा घर पे ना कीजिएगा। नहीं, डॉक्टर के पास। घर पे मत कीजिएगा प्लीज जी। इसको डर्मा रोलर कहते हैं। ये आपको डॉक्टर सारे ऑप्शन दिखाता है और आपसे डिस्कस करता है, इसमें सीरम्स डाल के आपको ये किया जाता है। इससे भी क्योंकि ये नीडल डीप डाउन स्किन जाते हैं, अगेन ये स्किन को ऑल्टर कर रहे हैं। तो मेरे ये सब बताने का मकसद ये कि ऊपर से की हुई कोई भी चीज स्कारिंग में हेल्प नहीं करती, और इन द एंड जब हम ये सारे सेशन कर लेते हैं लेजर के, डर्मा रोलर के, तो फिर जो पिट्स थोड़े बहुत बच गए और नहीं ठीक हुए उनको हम फिलर से फिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब एक स्टेप बाय प्रोसेस है। कितने अरसे का प्रोसेस? देखिए, डिपेंड करता है आपकी स्कारिंग की इंटेंसिटी क्या है। माइल्ड है तो आपको 2-3-4 महीने में भी बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर सिवेयर है, देखिए 100% नहीं, 100% इस तरह से नॉर्मल होना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी। कई लोगों की स्किन ऐसी होती है कि आप उस पर थोड़ा सा भी काम करें एक्स्ट्रावेगेंट रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन कई लोगों का ऐसा है कि आप वो चीज किए जा रहे हैं इवन चेंज भी कर रहे हैं तो रिजल्ट जरा देर से आता है। तो ये हर बंदे पर सब्जेक्टिव है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है जो हर एक पे लगता हो, बट आपके जो स्कारिंग के लिमिटेशंस थी या जो आपको प्रॉब्लम थी उसमें आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। बट ये सारी चीजें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं और पेशेंट्स चाहती हैं। पेशेंट हमारे क्या होते हैं कि वो 2-4 चीजें करने के बाद पेशेंट्स अपनी खो देते हैं और यहाँ होती है गड़बड़, और फिर यहाँ वो दूसरे तीसरे हरबे आजमाते हैं, कभी हकीम के पास पहुंचते हैं, कभी सैलून्स में जाते हैं। सैलून अगर ब्रांडेड है, अच्छा है और अच्छी ब्यूटिशियन है तो वो डेफिनेटली कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगी, लेकिन अगर आप किसी ऐसे के पास चले गए पैसे बचाने, देन अगेन यू आर इन ट्रबल। तो इसलिए अपनी स्किन, खासतौर पर फेस की स्किन के साथ ना खेलें। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, व्हेन आई वाज 17-18 तो मेरे ऐसे सारे पिंपल्स थे, यूं ऐसे भरे हुए, और ये अच्छा ठीक है, अब किसी को यकीन नहीं आता मेरा मुंह देख के। मैं अक्सर कभी किसी को अपनी तस्वीर दिखाता हूँ 17-18 की, तो ऐसा लगता है जैसे ब्लश ऑन लगा हुआ है, इतने इतने मोटे होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, हर एक का एक जैसा नहीं होता। लेकिन अगर हो तो प्लीज आप लोग, मतलब व्यूअर्स को कहने का मकसद है कि होशमंदी से काम लें कोई भी चीज। अब नेट पे रिसर्च करें, आजकल तो देखें गूगल इज अ बेस्ट आंसर, आप जाइए आप पढ़िए। सॉरी, उस पे भी कई दफा ना बहुत गड़बड़ चीजें होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन देखिए लोग अवेयर हो जाते हैं वो फिर इन चीजों के। तो ये भी था 2012 में फारिग हैं हम सारे। हेलो सर, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मेरे दो प्रॉब्लम है असल में, एक तो मतलब ये कि ब्लैक हेड टाइप के जो है डॉट जैसे वो होते हैं ना, तेल वगैरह होते हैं जी, मतलब कि ब्राउन से थिंग है मेरे फेस पे। जी जी, ये कब से बन रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। और एक और मुझे बता दीजिएगा, मेरी जो ना बहन की बेटी है तो बचपन में ना आईब्रोज में कुछ पता नहीं क्या मारा था, उसमें कट से आ गए जी, दोनों आईब्रोज में थोड़े थोड़े कट से आ गए। कट से आ गए तो ठीक है, ये फिर मैं आ रहे हैं। अच्छा जी, ये कितनी पुरानी बात है? उसने मेरे ख्याल में 4-5 साल की थी जब मारा था, अभी मेरे ख्याल में 10 साल की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, मैं आपको उसके आंसर दे देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इमराना।
ये एक्चुअली मेरे बैग की मेरी बैटरी जो है माइक की वो डेड हो गई है, तो हम इस तरह से काम ले रहे हैं जी, प्लीज उसके बारे में बता दें। देखिए एक फायदा है, अगर मैं चाहूँ कि ये ना बोले और मैं ही बोलती रहूँ तो मैं माइक नहीं दूंगी। नहीं 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 चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए इनके इमराना का क्वेश्चन ये था कि इनको ब्राउन छोटे छोटे तिल से आ रहे हैं, जो बगैर देखे डेफिनेटली कहना मुश्किल है, लेकिन फ्रैकलिंग शायद हो सकती है अक्सर लोगों की जिनकी थोड़ी सी फेयरर स्किन टाइप होता है, तो वो लोग जब धूप में निकलते हैं बगैर किसी प्रोटेक्शन के तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो ख्याल करें। और प्लस इसके लिए भी अगेन वो मेडिकेटेड ब्लीच क्रीम्स होते हैं, डॉक्टर देते हैं, और सन ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीक सन आवर्स को अवॉइड करें जो कि 9 से 3 बजे तक के होते हैं, उसमें बाहर ऐसे ही ना निकल जाएं, कुछ काम से भी जाना है तो आफ्टर 4 कोशिश करें कि निकले। और इनकी बहन की जो बेटी के साथ प्रॉब्लम है कि शायद कोई स्कारिंग है उसमें, तो वो बेहतर ये है कि आके दिखा लें, क्योंकि स्कार्स जैसे मैंने बताया कि टेक्स टाइम, इस तरह की जेल्स आते हैं, सिलिकॉन्स आते हैं, सब लेजर वेजर आते हैं, वो सब देखना पड़ेगा अगेन, फिर उसके बाद ही कॉमेंट हो सकता है। आपने जवाब मिल गया होगा आपको, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगी तो और चीजें डिस्कस करेंगे, और स्किन पीलिंग कितनी खतरनाक है वो डिस्कस जी करेंगे। जी और कितने फायदेमंद वो भी थैंक यू, फायदेमंद है वो जी, बहुत फायदेमंद है। ऑल राइट बिल्कुल जरूरी है इसको डिस्कस करना, थैंक यू वेरी मच। और अब जाते हैं एक छोटी सी